हे गाइस, इट्स क्रिसलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक वीडियो पे, जिसका टाइटल है एक्सप्लेनेशन ऑफ शिर्क। तो हमें काफ़ी बार कंफ्यूजन होती है कि शिर्क क्या है, एंड आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। मैंने पहले भी इनकी बहुत वीडियोज़ पर रिएक्ट किया है। आई थिंक मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है इनकी वीडियोज़ कि काफ़ी बोल्ड तरीके से सब चीज़ें वो बता देते हैं, कि विदाउट फियर वो हर चीज़ बता देते हैं। एंड I really appreciate that कि you know internet पे ये सब बोलना it takes a lot to say it, और मुझे उनकी चीज़ें मैं relate भी उनके साथ कर पाती हूँ, मुझे काफ़ी clear लगता है उनका explanation, that is why I react on such videos. So do check out the original link in the channel and to follow. Let's go. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यन्फउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नफा। अच्छा, फौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं, हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की ही नहीं। देखें जी, हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि ये भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कीदा रखता है कि यह मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने ग्यारहवीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं, तो आप भी शिरकी कर रहे हैं। और शिरक क्या है? आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है, सरकार साथ जिक्र किया है, माला या दुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं। वह यकूलूना, और ये कहते हैं हाउला शुफाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं नहीं हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारशी हैं। सेम वही मेंटेलिटी, ऐसी दाता साहब को तो नहीं मांगते, अल्लाह के हुजूर साढ़े सिफारशी ने, हम सुल्तानुल हिंद से तो नहीं मांगते, ये हम अल्लाह के हुजूर इन्हें अपना सिफारशी मानते हैं, पीछे ही अल्लाह है। हाँ, ए नहीं है कि पीछे कोई और है, नहीं, पीछे अल्लाह जी सामने ही है। सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में दिया है ना, वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते हैं कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض, क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो कि जो अल्लाह के इल्म में भी नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन के अंदर। हाय हाय, well said, अल्लाह के इल्म में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो। अल्लाह ताला देखें गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दियो कि इस सिफारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु देखो ही नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता होया। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी है। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा। सुबहानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, पाक है वो हस्ती, बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। मुशरिकों, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वलियाज़ु बिल्लाह ताला, देखें जी अल्लाह ताला तो अपने अकायद और नजरियात के एतबार से बिल्कुल सच्ची और खरी तौहीद कुरान में बयान कर रहा है। किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे, अल्लाह ताला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे, किस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला बता रहे। आप देखें इससे बेहतर और क्या अंदाज, सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी इनसे फरमाओ अतुनबियून अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाती वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को बता रहे हो वो चीज जो अल्लाह के इल्म में तो जमीन और आसमानों के अंदर है ही नहीं है, कि कोई अल्लाह ने अपना कोई सिफारशी मुकर्रर किया हुआ है कि जो नफे नुकसान का मालिक है। जब हम नए नए रिवर्ट हुए ना, 2008-09 की बात है, तो मैं एक और साइट पे अपने भाइयों के साथ गया, तो वहां एक दावत इस्लामी के भाई थे, तो वो नमाज पढ़ाते थे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे रफुल यदैन के साथ। वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये लोग मुशरिक और काफिर समझते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये मखलूक कौन सी है।
तो खैर हमने उनसे गप शप शुरू की। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे घर आए, चाय पिलाएं आपको, और वो ये चाह रहे थे कि हम दावत रखें और हम चाह रहे थे हम उनके सामने दावत रखें। हम उनके घर चले गए जी, उन्होंने वहां से जाल हक निकाली। अब जाल हक तो मैं उस वक्त पढ़ता था जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली हुई थी 94 के अंदर FSE में, उसमें जितनी चक्करबाजियां दी गई हैं गैरुल्लाह से पुकारने के लिए, मदद मांगने के लिए, वो सारी तो हमारे इल्म में थी। तो वो कहने लगा आपको हम पे इतराज़ क्या है? तो मैंने उनको यही आयात पेश की कि भाई आपका जो अकीदा है ना मरे हुए लोगों के बारे में, ज़ाहिर इस बाब में तो आप काफिर से भी मदद लें, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, नेकी परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो, लेकिन जो दुआ है ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत अल्लाह की होगी, मदद उससे मांगी जाएगी दुआ वाली। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दाअ, भला बताओ तो कौन है जो तकलीफ में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, वयक्शिफुस्सू और उससे उसकी बुराई को दूर कर देता है, वयजअलुकुम खुलाफाल अर्द और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। अइलाहुम माअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलम मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। तो मैंने कहा इसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा कोई भी हस्ती, कोई पैगंबर, जिन, फरिश्ता, कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आप ये समझते हैं कि वो दुआ कबूल करता है, गोया आपने उसे माबूद मान लिया। बिल्कुल। तो कहने लगा कुरान में जिस तरह तौहीद के एतबार से आयात आती हैं, ये सब की सब इससे रिलेटेड है कि आप उन्हें अल्लाह के पैरेलल में रब मानो। अगर अल्लाह का बंदा समझ के करो तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो हिजबुल्ला है, अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। तो मैंने उसे बताया कुरान में तो एक आयत ऐसी है जो आपके सारे के सारे वसवसे को सेटल करती है, बनी इसराइल में भी है, सूरतुल माईदा से मैंने कहा कि ये पढ़ो। अब ये वो चीज थी जो जाल हक में तो ना उन्होंने लिखी, ना ये मसला उनसे हल होने वाला था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माईदा के अंदर ईसा इब्ने मरियम को सेंटर्ड करके, उनकी माँ को सेंटर्ड करके बिल्कुल खोल कर तौहीद बयान कर दी। तो आयत नंबर ये 75, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन कब्लिही रसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं, व उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ सच्ची औरत थी, काना या अकुलान तआम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे, उन्ज़ुर कैफ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति थुम्मा उन्ज़ुर अन्ना युफकून, देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं। कुल अताअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो? एक तो मिन दूनिल्लाह इन्हें कह दिया जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में, यहां ईसा इब्ने मरियम और उनकी वालदा को मिन दूनिल्लाह कहा, क्या इनकी इबादत करते हो? तो कहने लगा देखे ना जी हम तो इबादत नहीं करते, हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते। मैंने कहा नाल लिखे माला यमलिकु लकुम दर्रं वला नफअ, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफा के, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे, अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, शेर ही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे, शेर ही कोई नहीं, मरियम जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे, शाय कोई नहीं, अगर वो नफा नुकसान के मालिक नहीं है ले जाओ अपने बापे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बड़ा पैशनेटली ये करते हैं बयान, हर चीज का एक्सप्लेनेशन बहुत ही लॉजिकल तरीके से देते हैं, एंड ये चीज हमें बिल्कुल साफ हो जाती है दैट ही इज नॉट क्रिएटिंग वर्ड्स और क्रिएटिंग स्टेटमेंट्स, जो एक्चुअल में होली बुक में लिखा हुआ है वो वही यूज़ कर रहे हैं। एंड ऐसी चीज़ जब हम देखते तो हमें लगता है कि हाँ इस्लाम इज़ अ वेरी लॉजिकल रिलीजन एंड कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू रिलीजन, एंड उसको अभी मैं देख रही हूँ कि अभी उसको बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट करने लगे, लेकिन अगर आप कुरान पढ़ते हैं, अगर आप एक्चुअल में जो लोग वेल लर्नड हैं, जो कुरान को जिन्होंने कोट के पीता हुआ है, जी आप उन्होंने की गल सुनते हैं, इफ वी लिसन टू देम देन वी रियलाइज कि नहीं इट्स अ वेरी लॉजिकल रिलीजन एंड
हर चीज का उनके पास एक लॉजिक है, एंड दैट इज व्हाई आई लाइक हिज एक्सप्लेनेशन, जैसे भी वो बयान करते हैं. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ शिर्क एंड कैसे देयर इज ओनली वन गॉड एंड हमें उन्हीं को मानना है और किसी को नहीं. हैट्स ऑफ टू दिस डिस्कशन. दिस इज माई रिएक्शन. आई रियली होप दैट यू लाइक इट. दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ. आई लव यू गाइस.